आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई 2024 के न्यू सेशन के एडमिशन के बारे में, जिसमें हम लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे अगर आपने एडमिशन फॉर्म को गलत सबमिट किया है, यानी कि इनकरेक्ट सबमिट कर दिया है, किसी तरीके की मिस्टेक हो गई है, तब उसमें क्या होगा। और उसके बाद बात करेंगे रिफंड या फिर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इग्नू के अंदर पहले एडमिशन करवा लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ बाकी कॉलेजेस में, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अपने एडमिशन को लेकर सर्च करते रहते हैं, और अगर उनका वहां पर हो जाता है तो इग्नू के अंदर एडमिशन कैंसिल करवा देते हैं, तो उनको कितना रिफंड मिलेगा उसके बारे में भी आज की वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड सभी तरीके की जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाती है। तो सबसे पहले हम लास्ट डेट के बारे में बात करते हैं। 31 जुलाई 2024 लास्ट डेट है, जो कि कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है, लेकिन ये एक्सटेंड की जाएगी। तो आपके लिए लास्ट डेट और एक्सटेंड की जाएगी, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब लास्ट डेट लगातार एक्सटेंड होती है, यानी कि शुरुआत में पहले मई से ये जून हुई, अब जून से जुलाई हुई, और जुलाई से जब अगस्त होगी, तो इसमें क्या होता है कि जो ईयरली बेस्ड कोर्सेज होते हैं, यानी कि जिनका साल में एक बार एग्जाम होता है, तो ईयरली बेस्ड कोर्सेज की तो बढ़ती रहती है, लेकिन अगर कोई 6 मंथ का कोर्स है या कोई सर्टिफिकेट कोर्स है 6 मंथ का, या फिर सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है, तो उनकी लास्ट डेट जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उनमें आप जानते हैं कि अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो आपको दिसंबर में एग्जाम देने हैं 6 मंथ के अंदर, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनकी जो लास्ट डेट होती है वो जल्दी खत्म कर दी जाती है। उसकी बजाय जो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनमें अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो आपको अगले साल जून 2025 में एग्जाम देना है, तो आपके पास एक साल का समय है, तो इसलिए इनकी जो लास्ट डेट है वो ज्यादा एक्सटेंड की जाती है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट कोर्स में कोई एडमिशन लेना है 6 मंथ के सेमेस्टर बेस में लेना है, तो जल्दी एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि उनकी लास्ट डेट खत्म होने वाली है। अब हम बात करते हैं अगर कोई मिस्टेक हो गई है आपसे, यानी कि आपने इनकरेक्ट फॉर्म भर दिया है, अगर आपने इनकरेक्ट सबमिशन किया है, मान लीजिए कि आपने अपनी कोई पर्सनल डिटेल गलत भर दी, जो भी आपका आपने अपना नाम वगैरह ऐसा कुछ पर्सनल डिटेल गलत भर दी, या फिर आपने अपने 10th का, 12th का, या फिर डिग्री वगैरह अगर आपने मास्टर्स का कोर्स में एडमिशन लिया है तो वो डिटेल आपने गलत भर दिया, अगर ऐसा कुछ भी है तो इग्नू आपका एडमिशन कंफर्म करने से पहले, यानी कि आपका एडमिशन को कंफर्म करने से पहले आपको एक बार ईमेल के जरिए या फिर आपको मैसेज के जरिए जरूर कांटेक्ट करेगा कि आप इनको ठीक कर लीजिए, जो भी आपका है। हो सकता है कि आपने 10th या 12th की जो मार्कशीट दी हो वो पीडीएफ सही तरीके से ना ही हो, जो कि जिसमें आपकी जो मार्क्स वगैरह है वो सही तरीके से दिख ना रहे हो, तो उस केस में भी आपको इस तरीके से ईमेल मैसेज आता है जिसमें ये जानकारी दी जाती है कि अगर आपने अभी तक इसको ठीक नहीं किया है तो आप इसको ठीक कर लीजिए। आपको मौका दिया जाता है जो कि 1 वीक से 2 वीक का टाइम हो सकता है, जिसको डिस्पेरेंसी को ठीक करना कहा जाता है, तो आपको वो मौका दिया जाएगा कि आप इसको ठीक कर लीजिए। अगर आपने कोई भी किसी भी तरीके की गलती की है, इनकरेक्ट फॉर्म भरा है, आपको मौका दिया जाएगा कि आप इसको ठीक कर लीजिए, उसके बाद ही आपका एडमिशन जो है कन्फर्म होगा। अगर आप इस 1 वीक से 2 वीक के बीच में अपना जो डिस्पेरेंसी है उसको ठीक नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। अब बात करते हैं रिफंड की। तो रिफंड भी आपका कई तरीके से होता है, यानी कि इसमें भी कुछ प्रोसीजर है, इसमें भी कुछ ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये है कि कई बार क्या होता है कि आपने मल्टीपल पेमेंट कर दी, मतलब एक बार आपने एडमिशन की जो फीस है उसको सबमिट किया, उसके बाद आपको लगा कि सबमिट नहीं हुई, आपने दोबारा सबमिट कर दी और दोनों पैसे कट गए, उस केस में आपको पूरा पैसा जो है फुल रिफंड मिलेगा, इंक्लूडिंग आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है वो भी मिल जाएगी। जो रजिस्ट्रेशन फी होती है 200-300 रुपए के करीब, वो भी आपको मिलेगी और फुल रिफंड मिल जाएगा आपको। अगर आपका मल्टीपल पेमेंट का ऑप्शन है, यानी कि आपने एक ही एडमिशन के लिए 2 बार पेमेंट कर दिए, तो आपको फुल रिफंड मिलेगा आपके रजिस्ट्रेशन फी के साथ। अगर इग्नू ने आपका कैंसिल कर दिया है एडमिशन, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया, अगर आपका डिस्पेरेंसी ठीक नहीं हुई, आपके एडमिशन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनके पास सही तरीके से नहीं मिले, आपका एडमिशन वो कर देंगे कैंसिल, उस केस में आपको फुल रिफंड मिलेगा, यानी कि सारा पैसा मिलेगा वापस जो आपने एडमिशन का लिया था, और एडमिशन का दिया था साथ में रजिस्ट्रेशन फी भी मिल जाएगी जो 200-300 रुपए होती है, वो भी आपको वापस मिल जाएगी। तो
दोनों चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी अगर इग्नू ने आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया। उसके बाद है अगर आपने अपना एडमिशन कैंसिल किया, इफ यू कैंसिल एडमिशन, अगर आपने अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया तब क्या होगा, तो उसमें भी कुछ ऑप्शन है। एक तो ये है कि आपने अपना एडमिशन कैंसिल करवाया बिफोर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, यानी कि आपका एडमिशन अभी कंफर्म नहीं हुआ था और आपने अपना एडमिशन को कैंसिल करवा दिया, उस केस में आपको फुल रिफंड मिलेगा लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फी है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अपना एडमिशन कैंसिल करवाया है, उन्होंने नहीं, तो आपको रजिस्ट्रेशन फी नहीं मिलेगी लेकिन बाकी फुल रिफंड मिल जाएगा अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं बिफोर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, यानी कि आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ लेकिन आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं, तो आपको पैसा फुल रिफंड मिलेगा लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फी है 200-300 रुपए की जो आपने भरी थी वो वापिस नहीं मिल पाएगी। उसके बाद अगर हम आगे बात करें यहां पर, तो दूसरा आता है अगर आपका कंफर्म हो जाए, यानी कि आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, तो उसमें क्या है, अगर पहले विद इन 15 डेज में आपने कर दिया, यानी कि विद इन 15 डेज कंफर्म होने के 15 दिन के अंदर आपने एडमिशन कैंसिल करवा लिया, तो आपके 500 रुपीज डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन की फी है वो भी नहीं दी जाएगी, ठीक है, वो भी काट ली जाएगी। उसके बाद अगर आपने विद इन 90 डेज कर दिया, विद इन 90 डेज अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया, तो आपके रुपए काटे जाएंगे 1000 रुपीज आपके डिडक्ट कर ले जाएंगे फीस में से, और आपकी रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो भी आपको नहीं दी जाएगी, ठीक। अगर आफ्टर 90 डेज किया, यानी कि 90 डेज के बाद अगर आपने 3 महीने के बाद अपना आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, उसके 3 महीने के बाद आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना तो फीस मिलेगी ना फिर आपको रजिस्ट्रेशन फीस मिलेगी, आपको कुछ भी इसमें नहीं दिया जाएगा। तो ये इग्नू के अंदर रिफंड का प्रोसीजर है जो कि आपके सामने है। इस तरीके से इग्नू के अंदर एडमिशन करवाए जाते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया, लास्ट डेट अभी 31 जुलाई 2024 है, उससे पहले आप इग्नू के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। कोई और क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।